दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं एंगल वाल की जो चूड़ी है अंदर ही टूट गई है, इसको हम कैसे आसानी से बाहर निकालें। तो सिंपली आपने एक दोस्तों ब्रेड लेना है आरी का, इसके नीचे वाली साइड पे एक कट लगाएंगे और दूसरा कट दोस्तों इसके पास ही थोड़ा जगह छोड़कर लेफ्ट साइड में लगाएंगे हम। दो कट हो जाएंगे दोस्तों, तो हम इसको आरी के ब्लेड से अच्छे से इस पर कट लगाएंगे। वो हमने दोस्तों कट लगा लिए, आप देख सकते हैं दोनों तरफ कट लग गए हैं, आप देख दोनों तरफ देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद हमें एक बढ़िया सा हैवी पेचकस लेना है और उसको हथौड़ी की मदद से पीछे से हम चोट मारेंगे। और जब हम चोट लगाएंगे इस पर दोस्तों, जो हमने कट लगाया वहाँ से ये चूड़ी है जो एंकल वाल की, ये टूट जाएगी। थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पानी भी चल रहा है क्योंकि बंद नहीं हो रहा पानी, एंकल वाल इसका ऊपर जो मेन गेट वाल होता है वो ख़राब है, इसका हल्का हल्का पानी आ रहा है इसमें। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से टूट गई है जहाँ पे हमने कट लगाया था, उसको यहाँ से हम अच्छे से पूरा लास्ट तक तोड़ देंगे ताकि जो चूड़ी है बीच रास्ते से क्रैक हो जाए और बाहर निकल जाए। और जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से टूट गई है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके आगे एक और थोड़ा सा कट बढ़ाएंगे क्योंकि कट आधा ही लगा था, आधी चूड़ी अभी भी बाकी है, बाकी जितनी हम इसको तोड़ सकते हैं उसको तोड़ देंगे तो ये हमारा आसानी से बाहर आ जाएगा। तो वैसे आप इस पे चोट लगाते जाएं, उस चूड़ी को तोड़ते जाएं। और ये काफ़ी आधी चूड़ी तो उसकी टूट गई है लेकिन आधी अभी बाकी है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को इससे मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आधी चूड़ी टूट गई है और इस पर आधा और कट लगाएंगे ताकि जो बाकी चूड़ी है वो भी टूट जाए। तो हमने कट लगा लिया है। वीडियो को दोस्तों मैं थोड़ा स्किप किया है ताकि जो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, आपको इसमें टाइम लग सकता है। आरी का जो ब्लेड चलाओगे तो काफ़ी मजबूत होता है ये, हल्के धीरे धीरे से चूड़ी बढ़ती है ऊपर, धीरे धीरे से ये कटता है। और ऐसे आप हल्की हल्की इस पर चोट लगाते जाओगे तो ये अंदर से पूरा टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अंदर से जो चूड़ी थी वो क्रैक हो चुकी है, बाकी सिरा इसका रह गया, आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा क्योंकि जो मजबूती है इसकी पूरी गलाई से होती है, अगर हम बीच में से कोई हिस्सा तोड़ देंगे तो इसकी मजबूती ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप सिंपली इसको घुमाकर पेचकस की मदद से या नोज प्लास की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे हमारा बिल्कुल बाहर निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम नया एंगल वाल लगा देंगे। दोस्तों हमेशा एंगल वाल जो यूज़ करें बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करें, कभी भी लोहे का एंगल वाल ना यूज़ करें, दिखने में तो आपको ब्राश का लगेगा लेकिन फुल ब्राश एंगल वाल ही यूज़ करें। अब हम इसमें जो एंगल वाल लगाएंगे फुल ब्राश लगाएंगे। तो अगर आप फुल ब्राश का एंगल वाल मंगवाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो बढ़िया एंगल वाल होता है ये कभी भी टूटेगा नहीं, जितना मर्जी आप जोर लगाते रहो। तो पहले यहाँ पर काफ़ी हल्का एंगल वाल लगा था इसलिए टूट गया था, अब ये बढ़िया एंगल वाल है कभी टूटेगा नहीं। तो इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद इसको हम ऑन करके चेक करेंगे। तो ऐसे आप दोस्तों कभी भी आपका जो कोई भी टूटी है या एंगल वाला है कुछ भी अगर बीच में टूट जाए तो आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी बहुत सारी और भी वीडियो हम बनाते रहें। और हमारा ये एंगल वाला बिल्कुल ओके हो चुका है। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो और व्हाट्सएप पे हमारे साथ बात करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को
ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा ओनली 29 रुपये पर मंथ है, जिसमें दोस्तों आपको स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट भी मिलेंगे जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।